एक बार भरवा करेले की सब्जी मेरे तरीके से बना के देखिए। 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको ये सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम एकदम आसान तरीके से बिना प्याज और बिना लहसुन का इस्तेमाल किए बेसन वाली भरवा करेले की सब्जी बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं बेसन वाली भरवा करेले की सब्जी। 250 ग्राम एकदम छोटा और कौला करेला लिया है। भरवा करेला बनाने के लिए हमें इस तरह का एकदम छोटा छोटा करेला ही लेना है। पीलर से इस तरह से इसका छिलका निकाल लेते हैं। करेले का छिलका निकाल के इसे अच्छे से पानी से एक बार धो लिया है। करेले के ऊपर की साइड से नहीं, लेकिन हम यहाँ पे नीचे की साइड से एक कट लगाएंगे। यहाँ पे कट लगाने से अंदर का बीज जो है वो आसानी से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हम अंगूठा और उंगली से पकड़ेंगे और चम्मच का हैंडल से इस तरह से बीज निकाल लेंगे। इस तरह से सभी करेले में से एक कट लगा के बीज निकाल लेते हैं। करेले में एक चम्मच नमक डाल देंगे। थोड़ा नमक मैंने डिश में ले लिया है। अंदर भी हम थोड़ा थोड़ा नमक लगा लेंगे ताकि करेले का कड़वा पानी पूरा निकल जाए। नमक थोड़ा ज्यादा ही लगाएंगे, करेला जब हम धोएंगे तो नमक तो पूरा निकल जाएगा। अच्छे से इस तरह से नमक लगा देना है इसके ऊपर। नमक अच्छे से लगा के 10 से 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रख देंगे। 1/4 कप बेसन को कढ़ाई में डाल के भून लेते हैं। ये 4 टेबल स्पून जितना बेसन है, लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के इसे भुनेंगे। बेसन भुनने की खुशबू आने लगी तब तक मैंने बेसन को भून लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ज्यादा मैंने चेंज नहीं किया है। गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। इसे रख के 10 मिनट हो गई है। हल्के हाथ से इसे थोड़ा सा मसल लेंगे इस तरह से और इस तरह से निचोड़ के इसका पानी निकाल लेते हैं तो करेले का कड़वा पानी पूरा निकल जाएगा। सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं करेले में से कितना सारा कड़वा पानी निकल गया है। करेले को इसी बाउल में डाल देंगे और पानी डाल के इसे अच्छे से धो लेते हैं ताकि नमक जो हमने डाला है वो सारा निकल जाए। पानी में से अच्छे से निचोड़ के निकाल लेंगे इस तरह से। बेसन ठंडा हो गया है, इसमें 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। कच्ची मूंगफली को मिक्सर जार में डाल के पाउडर बनाया है। ये 2 टेबल स्पून मूंगफली का पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे। 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे। 2 टीस्पून तेल डालेंगे। हाथ से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून नमक और डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे। 1-1 चम्मच जितना मसाला करेले में भर देंगे, ज्यादा भरना नहीं है। स्टफिंग का मसाला थोड़ा रखना है, इसे हम करेले के ऊपर बाद में डालेंगे। कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, 1/2 टीस्पून राय डालेंगे। राय को क्रैकल होने देंगे। गैस की फ्लेम धीमी कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, करेला अंदर डाल देंगे। 1/4 कप पानी डालेंगे। साइड से पानी डालना है। कढ़ाई उठा के इस तरह से इसे चलाएंगे। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए इसे कुक कर लेते हैं। इसे 5 मिनट के लिए कुक किया है और बीच में एक बार मैंने चला लिया था, हमने पानी डाला था वो भी सूख गया है। 1/2 कप जितना पानी डालेंगे। पानी एकदम गर्म करके लिया है मैंने, गर्म पानी ही डालना है और हम साइड से ही पानी डालेंगे। करेला सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे ढक्कन लगा के कुक कर लेते हैं। करेले को धीमी आंच पे और 3 मिनट के लिए कुक किया है। नाइफ डाल के देख लेंगे करेला कुक हो गया है कि नहीं। अब देख सकते हैं नाइफ एकदम आसानी से अंदर जा रही है, करेला जो है वो कुक हो गया है। इसमें हम और 2 से 3 टेबलस्पून एकदम गर्म पानी डालेंगे। 2 टेबलस्पून गुड़ डालेंगे, गुड़ को बारीक चॉप किया है। गुड़ मेल्ट हो जाए तब तक इसे कुक कर लेते हैं। गुड़ मेल्ट हो गया है,
स्टफिंग का मसाला हमने रखा था ये ऊपर डालेंगे इस तरह से। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसे धीमी आंच पे कुक करेंगे। इसे 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे कुक किया है और आप देख सकते हैं तेल भी सेपरेट हो गया है। गैस ऑफ कर देंगे। 1/2 टीस्पून नींबू का रस डालेंगे, 1 टेबल स्पून हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेसन वाले भरवा करेले रेडी है। एकदम चटपटे और मसालेदार भरवा करेले की सब्जी रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।